नमस्कार, भक्ति टॉप 20 में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रणजीत कुमार। तो आइए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं धर्म और आध्यात्म जगत से जुड़ी हुई आज की 20 बड़ी गतिविधियों के बारे में। अब श्रद्धालु ऑनलाइन भी गंगोत्री धाम में पूजा कर सकेंगे। इसके लिए श्रद्धालुओं को गंगोत्री धाम की वेबसाइट पर जाकर पंजीकरण करवाना होगा। ये व्यवस्था पहली बार यहाँ शुरू की गई है। 8 मई को सुबह 6:15 बजे श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल रहे हैं। 7 मई को तेल कलश गाड़ू घड़ा बद्रीनाथ धाम पहुंच जाएगा। इस अवसर पर श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के सदस्य और डिम्बर उम्मटा पंचायत के प्रतिनिधि गाड़ू घड़ा यात्रा के साथ रहेंगे। बद्रीनाथ धाम की यात्रा शुरू होने से पहले आयोजित होने वाले धार्मिक आयोजनों को लेकर स्थानीय लोगों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। बीते 2 वर्षों से कोरोना की पाबंदियों के चलते धार्मिक आयोजन सादे समारोह में आयोजित किए जा रहे थे। केदारनाथ धाम में पिछले 1 हफ्ते से रुक रुक कर बर्फबारी होने के कारण यात्रा की तैयारियों में बाधा आ रही है। 6 मई से केदारनाथ यात्रा शुरू हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम पहुंचने वाले हैं। इसके लिए प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। हालांकि अभी आगमन की तारीखों को लेकर संशय बरकरार है। श्री काशी विश्वनाथ धाम में स्पर्श दर्शन पर एक बार फिर रोक लगा दी गई है। अब भक्तों को दोबारा झांकी दर्शन ही करना पड़ रहा है। लगातार बढ़ती भीड़ के कारण यह फैसला लिया गया है। अब काशी के तमाम धार्मिक स्थलों का जीर्णोद्धार होगा। मंदिरों और पौराणिक कुंडों तक आने जाने वाले मार्गों को दुरुस्त किया जाएगा। इसके लिए 33,56,00,000 रुपए का बजट भी मंजूर कर लिया गया है। अब 15 जनवरी 2024 को रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। इससे पहले दिसंबर 2023 की तिथि तय की गई थी, लेकिन खरमास होने के कारण तिथि आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया है। राम मंदिर के प्लिंथ का निर्माण जून जुलाई महीने तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसे हर हाल में समय पर पूरा करने के लिए मंदिर के बेस प्लिंथ के निर्माण में तेजी लाई गई है। इसका निर्माण रात दिन चल रहा है। उज्जैन के इस्कॉन मंदिर में अक्षय तृतीया से 21 दिवसीय चंदन यात्रा का शुभारंभ होने जा रहा है। शुरुआत के 7 दिन भगवान राधा मदन मोहन निताई गौर सहित अन्य मूर्तियों पर चंदन का लेपन किया जाएगा। बाकी के 14 दिन अर्चा विग्रह मूर्ति पर चंदन लगाया जाएगा। महाकाल मंदिर का परिसर अब बदला बदला सा नजर आने लगा है। जिस तरह से ये स्वरूप दिखाई दे रहा है, उससे ऐसा ही लग रहा है कि 30 अप्रैल तक कॉरिडोर का काम पूरा कर लिया जाएगा। झारखंड की राजधानी रांची में स्थित जगन्नाथ मंदिर में इस बार धूमधाम से भगवान जगन्नाथ की यात्रा निकाली जाएगी। इसके लिए श्री जगन्नाथ न्यास समिति ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। शक्तिपीठों में शामिल गोपालगंज के थावे मंदिर का स्वरूप बदलने जा रहा है, जिसके लिए बिहार सरकार का पर्यटन विभाग तैयारी में लगा हुआ है। इसके विकास के लिए प्रदेश सरकार 300 करोड़ रुपए खर्च करेगी। उज्जैन के महाकाल मंदिर में भगवान महाकालेश्वर को तपती गर्मी से ठंडक देने के लिए पुजारी पुरोहितों द्वारा ठंडे पानी की मटकी के 11 कलश बांधे गए। इन मटकियों से पानी की सतत जलधारा बहती रहती है। केशोड़ और मुंबई के बीच विमान सेवा की शुरुआत की गई है। इस विमान सेवा के शुरू होने से मुंबई के लोग अब और आसानी से गुजरात के सोमनाथ मंदिर और गिर राष्ट्रीय उद्यान जा सकेंगे। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्टडीज इन क्लासिकल उड़िया यानी सिस्को अब ओडिशा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर समेत सभी प्राचीन धार्मिक स्थलों से जुड़े प्राचीन ग्रंथों को संरक्षित करेगा। संस्कृत के बाद उड़िया शास्त्रीय टैग पाने वाली दूसरी इंडो आर्यन भाषा है। आजादी का अमृत महोत्सव और देखो अपना देश के तहत शिरडी और नासिक के लिए IRCTC ने एक शानदार टूर पैकेज तैयार किया है। ये पैकेज 3 दिन और 2 रात का होगा। इसके लिए दिल्ली से ट्रेन मिलेगी। मंगलवार को अंगारकी चतुर्थी के मौके पर देश भर से हजारों श्रद्धालु उज्जैन स्थित महामंगल मंगलनाथ और श्री अंगारेश्वर मंदिर पहुंचे और भात पूजा की। मान्यता है कि मंगलवार को चतुर्थी होने से दोनों ही स्थानों पर पूजा करने से सभी कष्टों का निवारण होता है। रुद्राक्ष लेने के लिए हजारों की संख्या में लोग सीहोर के कुबेरेश्वर धाम पहुंच रहे हैं। रविवार को 10,000 से ज्यादा लोग यहां दर्शन और रुद्राक्ष लेने पहुंचे थे। चैत्र नवरात्र के पहले दिन से ही यहां रुद्राक्ष का वितरण चल रहा है। मध्य प्रदेश के मंदसौर में स्थित बालाजी मंदिर में चोला चढ़ाने वाले भक्तों को अभी और 23 साल का इंतजार करना होगा। यहाँ चोला चढ़ाने वालों की भीड़ इतनी होती है कि जिन्होंने 2009 में बुकिंग कराई थी उनका नंबर अब आया है। तो ये थी धर्म और आध्यात्म जगत से जुड़ी हुई आज की 20 बड़ी गतिविधियां। लेटेस्ट अपडेट को जानने के लिए आप हमें फेसबुक पर लाइक कर सकते हैं, ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपके आसपास कोई भी धार्मिक गतिविधि हो रही है तो उसकी जानकारी आप हमें info@sanskargroup.in पर दे सकते हैं।
हम उसे दिखाएंगे भक्ति टॉप 20 में। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।